वेलकम बैक नाजरीन। सर आप बात कर रहे थे अबाउट कश्मीर, तो हाँ दिस वाज अ मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग योर टाइम। यस आई थिंक नाउ कश्मीर पे जब हम आगे बढ़े, रेजोल्यूशन मैं एपीएचसी वालों से सबसे मिल रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि बताएं हाँ क्या व्हाट इज द व्हाट शुड बी, अब जब नेगोशिएशन शुरू है एंड दे हैव एग्रीड टू नेगोशिएट इंडियंस, तो क्या बताएं आप क्या सोल्यूशन है। एपीएचसी वालों से मैंने बात की, मैंने यहाँ पॉलिटिशियन से, मैंने आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन से बात की, बिलीव मी एक ने भी अगर मुझे सजेशन दियो ये पाथ है फॉरवर्ड, देन आई, जब ये ना हो, जब कोई सजेशन ही नहीं दे रहा है, वो कहता है ना जी कंसेंसस कंसेंसस, भाई को सजेशन दे तो कंसेंसस हो, तो फिर मैंने खुद अपना दिमाग लगाकर मैंने सोचा क्या डायरेक्शन है यार। और मैंने वो एक दफा सेरिना में, मैंने होटल में मैंने वो अनाउंस कर दिया, फ्लोट किया आइडिया, बिकॉज व्हेन द आइडिया इज नॉट कमिंग देन मेरा ख्याल है यू फ्लोट एन आइडिया एंड गेट द डिबेट स्टार्टेड, एंड आई फ्लोटेड द आइडिया कि इनको ऑटोनॉमी, मैक्सिमम सेल्फ गवर्नेंस, डीमिलिटराइजेशन, ग्रेजुएटेड डीमिलिटराइजेशन एंड ओवरवॉच, ये चीजें मेरे आइडिया थी, एंड मेकिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इररेलेवेंट। सर बड़ा जबरदस्त थी, रेडिकल चीज थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि डिड यू हैव द आर्मी विद यू ऑन दिस, आपने डिस्कशन की थी? यस यस, सर्टनली आई हैड ऑन दिस इशू, आई टुक ऑन बोर्ड इवन एपीएचसी, बाद में इवन यासीन मलिक, मैं सिवाय गिलानी साहब, गिलानी साहब एक हार्डलाइनर थे जो मान ही नहीं रहे थे, वरना तमाम एपीएचसी के लोग मान गए, उन्होंने मनवाया मैंने, एंड दे सेड यस दिस इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने सबको लॉजिकली समझाया, देखो ना आप सब कुछ ले सकते हैं ना हम सब कुछ देंगे, तो कुछ वाया मीडिया ढूंढना है। सही आपकी बात, मुझे दो सवाल खड़े होते हैं उसमें। मैंने पाकिस्तान तमाम फौज को बिल्कुल, वी हैड डिस्कस दिस इन द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तमाम पॉलिटिशियन एके वाले, एके के लीडर्स आजाद कश्मीर के, उनको भी आई टुक एवरीवन ऑन बोर्ड एंड वी वर मूविंग फॉरवर्ड। तो सवाल जो मेरे जहन में ये होता है, आपका ख्याल है ये आपकी एक बहुत बड़ी एंड्योरिंग लेगेसी है, ये फौज या हमारे एके के पॉलिटिशियंस या ये हुर्रियत वाले ये पीछे तो नहीं हटेंगे, ये अब एक लैंडमार्क है, इसके आगे ही जाएंगे हम? देखें लैंडमार्क में, यस लैंडमार्क है एक, लेकिन इसमें एके वाले को छोड़ें, सबसे बड़ा तो इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है ना, उनमें हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी एग्रीमेंट होगा, चाहे जो हम जिस राह पे जा रहे थे या कोई नया जो कुछ भी उसमें चेंज करके, उस एग्रीमेंट में गिव एंड टेक होगा, गिव वाला हिस्सा बड़ा मुश्किल होता है, आपको कुछ देना पड़ेगा टू टेक समथिंग फ्रॉम इंडियंस, इंडिया को भी देना पड़ेगा हमें टू टेक समथिंग फ्रॉम अस, इसमें फिर पब्लिक ओपिनियन, लोग घबरा जाते हैं कि जी लोग गालियां देंगे, वो इंडियंस भी यही समझते हैं इंडियन लीडरशिप के, हम ये कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और बातों में ये होता था, तो इधर बोल्डनेस चाहिए फ्रॉम द लीडरशिप कि देखो इन द अल्टीमेट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पीपल ऑफ कश्मीर, यू शुड हैव योर हार्ट्स क्लीन दैट यू विल गो फॉर अ रेजोल्यूशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल सपोर्ट, एक्सट्रीमिस्ट हमेशा उसके अगेंस्ट रहेंगे, तो यू वी हैव टू बी स्ट्रांग, द लीडरशिप हैज टू बी स्ट्रांग कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज हाउ वी कैन रीच अ सोल्यूशन, वरना ये सोल्यूशन नहीं पहुंच सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस मेरे जहन में तो ये सवाल था कि क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी एडवांस थी, और ये एडवांस अब एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी इससे आगे ही जाएगी, ये तो नहीं ये फिर रिवर्स हो सकता है। ये आप लोगों की बहुत गलत ख्यालात हैं कि पाकिस्तान आर्मी कोई प्रेशराइज करती है, ये बहुत ही आप लोगों ने मालूम नहीं क्यों ये इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, इम्प्रेशन इन द मीडिया कि आर्मी जो है वो पीस में नहीं, दिस इज द मोस्ट विशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द आर्मी कि जी वो नहीं चाहते, वरना उनको आर्मी के का मकसद नहीं रहेगा, आर्मी का मकसद हमेशा पाकिस्तान में रहेगा, कश्मीर सोल्यूशन हो भी जाए ना, अगर इंडियन फोर्सेज हमारे बॉर्डर पे, उनकी 33 में से 24-25 डिवीजन हमारे बॉर्डर पे हों, तीनों आर्मड डिवीजन हमारे बॉर्डर पे हों, मैकेनाइज डिवीजन हमारे बॉर्डर पे हों, और उनकी एयरबेसेस हमारे बॉर्डर पे हों, तो कोई कश्मीर सॉल्व भी हो जाए, जब तक ये टेंशन खत्म नहीं होगी
हमारे फोर्सेस की अहमियत रहेगी। तो सर तो ये समझना कि जी आर्मी जो है ना ये करवाती है कश्मीर को ताकि वो तो आर्मी रहे। हमारे जी 30 ईयर्स से हम ये सुनते आ रहे हैं कि द एनिमी इज इंडिया। नाउ वी आर सेइंग द थ्रेट, इंडिया से एक थ्रेट रहेगी, उसकी कैपेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है, बट द एनिमी इज इंटरनल नाउ। आजकल तो यही हम कह रहे हैं। तो क्या नाउ कैन वी कैन नाउ अस्यूम दैट वी हैव टू सॉर्ट आवर हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि इंडिया इज नो लॉन्गर द एनिमी एज सच। ओके, एनिमी की व्हाई आर वी सेइंग एनिमी, थ्रेट देखना, थ्रेट व्हाट इज, वेयर इज द थ्रेट फ्रॉम, देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। इसमें हु कैन डिस्प्यूट दिस, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, एंड डिस्प्यूट कर लें आप, मैं आई नो द नंबर, द थ्रेट इज देयर, द कैपेबिलिटी है, नाउ दिस द मैसिव फोर्स अगेंस्ट योर बॉर्डर, सो थ्रेट इज देयर एंड वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस। ठीक, और उनके पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट भी अगर आप देख लें तो यू हैव टू बी वेरी सीरियसली, टेक इट वेरी सीरियसली। कोई कह रहा है इनको मारो, कोई इनको सजा दो, इनको पनिशमेंट, पनिश देम एंड गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ द अदर थ्रेट इज टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। एट दिस मोमेंट इज दैट द एनिमी रियली राइट, इट इज द एनिमी, इट इज द थ्रेट, इट इज द एनिमी, इट पुट्स आवर एग्जिस्टेंस इन टू जेपर्डी। बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे ये बताइए सर, मुझे याद है कि जब आपने एक्शन लिया इन इन, इन लोगों के खिलाफ स्वात में, जब ये 2007 की बात है, तो उस वक्त तो एक्शन हुआ, इनको छोड़ के फिर फौज वापस आ गई, अब फिर ये देयर वाज रिसर्जेंस ऑफ द तालिबान और ये फिर टेररिज्म शुरू हो गई, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने एक ही दफा अंदर जाके खत्म क्यों नहीं किया, खत्म कर दिया? देखें ये फिर मेरे पे ब्लेम हो जाता है कि आपने बहुत कमजोर किया। इलेक्शंस कैसे हुए जी? इलेक्शन इसीलिए हुआ ना, चीज खत्म हो गई थी। फजलुल्ला कहाँ था? पीओ चार रेंजेस में भाग रहा था और कमांडो टीम्स उसको ट्रैक कर रही थी अकेला, तितर बितर। शांगला हिल पे ये जा रहे थे और केकेएच की तरफ जा रहे थे। हमने स्वात की साइड से फोर्स लगाई, हमने केकेएच से फोर्स लाए या 10 कोर साइड से, इनको हमने बीच में शांगला में फंसा दिया और मारा। दिस इज वॉट वी डिड, डबल पिंसर मूवमेंट उसके। हाँ नाउ लेट, उसके बाद हमने इलेक्शंस किए। सूफी मोहम्मद किधर थे? सूफी मोहम्मद तो लेडी रीडिंग हॉस्टल में अंडर, हॉस्पिटल में अंडर कस्टडी एप्रीहेंड बंद थे। इस तरीके से हमने इलेक्शंस करवाए। नाउ वी शुड नॉट हैव कम बैक, वी शुड नॉट हैव रिलीज्ड प्रेशर। बात क्या हुई, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने क्या किया? सूफी मोहम्मद को छोड़ दिया, उसने जिहाद की कॉल दे दी, फजलुल्लाह को वापस बुला लिया, FM रेडियो उसने शुरू कर दिया। और अब आप देखें 4 महीने, मार्च अप्रैल में से जून जुलाई तक 10 लड़कियों के स्कूल्स जलाए गए, मालम जब्बा का रिजॉर्ट जला दिया और हम बैठे हैं देख रहे हैं इनको रिलीज किया हुआ है। तो ये कोई मैंने किया? और भाई मैंने तो आपको एक प्लेट में दे दी चीज, पूरा हल हुआ वह मान रहे। मत्ता में इनके जो मदरसा था ये फजलुल्लाह का, लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो वॉट आर वी टॉकिंग, वॉट डिड आई डू? मैंने तो सब कुछ हल करके दे दिया था उठाकर। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एंड देन वी विल कम बैक।